नमस्कार, दैनिक साथी बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में हम आपको अवगत कराते हैं दिन भर की खास खबरों से। हरियाणा आपदा प्रबंधन अथॉरिटी का आदेश, सभी कार्यालय खुलेंगे पूरी क्षमता के साथ। 100 से अधिक लोगों की भीड़ भी जुट सकेगी, लेकिन लेनी होगी डीसी के आदेशों की अनुमति। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी की अध्यक्षता में जिला रेवाड़ी पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की अपराध गोष्ठी का आयोजन। पुलिस लाइन परिसर में रेवाड़ी में आज कल्याण गोष्ठी का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी ने आज कल्याण गोष्ठी में पुलिस कर्मियों की सुनी समस्याएं, कुछ समस्याओं का मौके पर ही किया निपटारा। हत्या के मामले में 5वां आरोपी गिरफ्तार, 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। आरोपी विनोद उर्फ बिन्नी की गिरफ्तारी पर था 20,000 रुपए का घोषित इनाम। 1 अक्टूबर 2020 को गांव मुंडनवास कमालपुर में हुई थी हत्या की वारदात। पुलिस मामले में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा एक देसी कट्टा पहले ही कर चुकी है बरामद। कार के आगे मोटरसाइकिल लगाकर फायरिंग करके जान से मारने की कोशिश करने के मामले में तीसरा आरोपी बड़ा तालाब हनुमान मंदिर निवासी हंसराज उर्फ हंसू गिरफ्तार। पुलिस वारदात में प्रयोग की गई कार पहले ही कर चुकी है बरामद। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने के मामले में दूसरा आरोपी मोटल खुर्द निवासी मधु यादव गिरफ्तार। लाखों रुपए की धोखाधड़ी का एक और आरोपी राजिया की निवासी रवि यादव गिरफ्तार। सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के मामले में राजेश नगर धारूहेड़ा निवासी हरीश उर्फ रोहित उर्फ टोम वाला आरोपी गिरफ्तार। कोसली स्थित आरपीएस में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती के पूजन के साथ साथ बच्चों ने हवन में भी पूर्ण आहुति दी। जिले में कोरोना के नए केस 68 आए, कुल संक्रमित 384। डीसी ने कहा, स्वामित्व योजना के तहत लंबित कार्य 7 फरवरी तक करवाएं पूर्ण। डीसी यशेंद्र सिंह ने वीसी उपरांत अधिकारियों को दिए निर्देश। डीसी ने कहा, सीएम ने वीसी के जरिए की मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की समीक्षा। लाभार्थी परिवारों की आय बढ़ाने के लिए प्रशासन लगातार करेगा ट्रैकिंग। मार्च में शुरू होगा अंत्योदय मेले का द्वितीय चरण। पंजाब व यूपी के कर्मचारी व श्रमिकों के लिए मतदान का दिन होगा पेड हॉलिडे। कर्मचारी व श्रमिक हित में हरियाणा सरकार ने लिया निर्णय। भूमि सुधार योजना के तहत पंजीकरण के लिए 15 तक करें आवेदन। अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के पात्र 10 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन। नायब तहसीलदार हफ्ते में 2 दिन उप तहसील डहीना में होंगे मौजूद। डीसी यशेंद्र सिंह ने जनहित में जारी किया आदेश, समर्पण पोर्टल जनसेवा का सशक्त माध्यम। हरियाणा सरकार सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हर वर्ग की भलाई एवं उत्थान के लिए कृत संकल्प। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना, तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। धन्यवाद।